दोस्तों, वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा की जो वाइड बॉल क्रिकेट का जो फ्यूचर, उसको लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। हालांकि भारत फिर से एक बार आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, तो 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, तो ये चर्चा जारी है। क्या रोहित को एक मौका मिलेगा एक आईसीसी जो टूर्नामेंट जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए? तो इस पर जो आज इंडियन मीडिया में खबर फैला है कि बोर्ड की एक ऑफिशियल ने एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक जो उनको बताया है कि आज ये कोई नया मुद्दा नहीं है, रोहित वर्ल्ड कप से पहले चीफ सेलेक्टर अजित कुमार के साथ उन्होंने बता दिया कि वो छोटी फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट नहीं खेलेगा। हालांकि पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से भारत इंग्लैंड से 10 विकेट से पराजित हुआ था, तब से ही रोहित T20 टीम में शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि रोहित का जो उम्र है वो तो अब हर 3 फॉर्मेट में खेलने के बाद, आईपीएल खेलने के बाद, वो उनका जो बॉडी फिटनेस वो शायद नहीं रहेगा, तो इसलिए रोहित ज़रूर चाहेगा वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया है। तो तभी ये चर्चा चल रहा है पूरी देश में। तब तो रोहित शर्मा ने जो पिछली T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध उनका आखिरी जो T20 इंटरनेशनल वो खेल चुका है। हालांकि रोहित ने 140 के करीब उन्होंने अपना जो T20 इंटरनेशनल मैच खेला है, और उन्होंने 3,853 रन भी बनाया है 140 की स्ट्राइक रेट से, और उनके पास 4 सेंचुरियाँ भी है। तो उसके बाद, रोहित के बाद अगर इस बीच में आप देखें तो भारत ने ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल, 4 जो ओपनर को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो बोर्ड के उन ऑफिशियल ने बताया जो रोहित को 2025 साल की जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके लिए उनको मौका दिया जाएगा, और उस बीच में रोहित की जो विकल्प चुना जाएगा। और हार्दिक पांड्या जो वाइड बॉल क्रिकेट में छोटी फॉर्मेट का कैप्टन था, लेकिन वो तो बहुत उनको इंजरी होता है, तो इसलिए भारत T20 में शायद न्यू कैप्टन और ODI में भी न्यू कैप्टन चुनेगा। तो दोस्तों, लेकिन आज आखिरी मोमेंट पर ट्विटर ने एक ऑफिशियल बताया है, बोर्ड की जो ट्रस्टेड एक सोर्स, उन्होंने बताया ये जो खबर फैल रहा है रोहित की जो रिटायरमेंट T20 से जो खबर फैल रहा है, ये एकदम फेक खबर है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है चीफ सिलेक्टर के साथ, ये एकदम पूरी एक स्पेकुलेशन है। तो दोस्तों, क्या तब भारत क्या रोहित को फिर एक मौका देगा BCCI वर्ल्ड कप T20 जीतने के लिए और इस घाव के ऊपर कुछ मरहम लगाने के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो जुड़े रहे चैनल के साथ। वीडियो का अच्छा लगे तो जो लाइक एंड शेयर करना, चैनल ना आए तो जाकर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।